हेलो एवरीवन. सो लास्ट क्लास हमने किया था, हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशंस किया था. हमने लॉग नॉर्मल किया है उसका प्रूफ, एंड देन वी डिड द परेटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो द टू अदर डिस्ट्रीब्यूशंस जो हमने किया था, वेबुल एंड बर डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली हमने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस चैप्टर में. नाउ द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज एस्टिमेशन. ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी इन CT3 एंड CS1. दिस विल बी अ क्विक रिकैप, ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग वील जस्ट टेक सम्स, 2-3 सम्स, वील सॉल्व 2-3 सम्स इन क्लास. इससे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा एंड इवन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना CT3 या CS1 याद है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज मेथड ऑफ मोमेंट्स, ठीक है. तो ये वाला आपने ऑब्वियसली सुन रखा है, आपने किया है ये वाला इन CS1, इवन इन CT3. मेथड ऑफ मोमेंट्स, तो व्हाट इज मेथड ऑफ मोमेंट्स, इसमें होता क्या है बेसिकली. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन एस्टिमेट और सैम्पल एस्टिमेट को इक्वेट करते हैं, ठीक है. सो वी इक्वेट सैम्पल एंड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स, करेक्ट. बेसिकली क्या होता है, इफ आई से दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी लेट्स सपोज फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें मैं आपको बता दूंगी, अब मैं पूरा पॉपुलेशन जो एज है, पॉपुलेशन का एज है, इफ़ आई से दैट इट फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे मैं क्या पूरा हर एक जन का सर्वे करूँगी टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ फॉलोइंग द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन इज़ वॉट, पॉपुलेशन इज़ द इंटायर सिटी विच आई एम कंसिडरिंग कि वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं. बट मैंने सपोज एक बड़े एरिया का, बड़े एरिया का सैम्पलिंग किया है. सैम्पलिंग इन द सेंस मैंने जा के हर घर में सबसे पूछा है, घर वालों से, कि वॉट इज़ द रेशियो ऑफ, वॉट इज़ द वॉट आर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर, उनका एज क्या है एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स आर लिविंग. तो ये मैंने एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया का किया या फिर स्मॉल स्मॉल एरियाज का किया. सो दीज आर नथिंग बट द सैम्पल्स विच आई हैव कलेक्टेड ऑफ द इंटायर सिटी. एंड फिर इसको यूज़ करके हम लोग इस सैम्पल को यूज़ करके क्या करते हैं, पॉपुलेशन का एस्टिमेट्स निकालते हैं. लॉग नॉर्मल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, लॉग नॉर्मल के लिए मुझे चाहिए म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. दीज आर द टू पैरामीटर्स विच वी रिक्वायर. तो ये दोनों मैं कैसे एस्टिमेट करूँगी, मैं सबका, मैं सैम्पल्स ले रही हूँ, कहाँ दीज एरियाज जहाँ जहाँ मैं जाके सर्वे कर रही हूँ, दीज आर द सैम्पल्स, डिफरेंट सैम्पल्स विच आई हैव कलेक्टेड. एंड फिर इन सैम्पल्स का मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के देन आई कैन कंपेयर टू द पॉपुलेशन एस्टिमेट्स. तो सारे सैम्पल्स का जब हम कंपेयर करेंगे तो मीन तो हमारा म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर अलग आएगा ऑब्वियसली, ठीक है. ये दोनों पैरामीटर्स अलग आएंगे. तो हम लोग को उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम लोग कि वेदर इट इज़ वेदर द आर अजम्पशन कि जो पॉपुलेशन है इट फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है या नहीं. सो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है. दिस इज समथिंग विच हैपन्स, दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग पैरामीटर्स, जैसे हमने पढ़ा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़ लिया, पर ये डिस्ट्रीब्यूशंस के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको कैसे हम निकालें, ये दीज आर द डिफरेंट मेथड्स विच यू आर गोइंग टू सी, ठीक है. तो वेरी वेरी फर्स्ट इज मेथड ऑफ मोमेंट्स. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल वन ले रही हूँ जहाँ पे आई एम सेइंग दैट एक्स फॉलोज परेटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा. तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, नाउ दिस इज नॉट अ न्यू थिंग विच यू आर लर्निंग, तो ये हमने ऑलरेडी किया है. आपको दिया गया है सिग्मा, आपको दिया हुआ है समेशन ऑफ एक्स विच इज, नाउ ये मेरा सैम्पल से आया, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स विच इज 1508 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2572, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन एंड सैम्पल का साइज इज 20. नाउ आई आस्क यू टू गिव मी एस्टिमेट्स ऑफ अल्फा एंड लैम्डा, यानी कि अल्फा हैट एंड लैम्डा हैट आपको डिराइव करने, दिस इज व्हाट यू वांट टू डिराइव. ट्राई करो खुद से, पहले 2 मिनट सोचो कैसे करेंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. मीन हम लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 2 चीज़ों को कंपेयर करना है आपको. आप सोचो अब क्या 2 चीज़ हो सकते हैं, बिकॉज देर आर 2 पैरामीटर्स. तो जब भी हमें 2 पैरामीटर होता है, दिया हुआ होता है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट 2 पैरामीटर्स, देन इन दैट केस व्हाट वी डू,
we take two different equations, we try to make two different equations, mean variance. Generally hum log ye bhi karte hain, mean which is expectation of x and expectation of x square, to ye dono hum compare kar sakte hain. ठीक है, ये भी कर सकते हो, वेरियंस लेके भी कंपेयर कर सकते हो. तो ये सारा चीज़ है, वेन यू हैव थ्री पैरामीटर्स यू ट्राई टू मूव ऑन. मे बी आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब भी निकाल के फिर आपको निकालना पड़ेगा वेन यू हैव थ्री पैरामीटर्स. ठीक है, तो इस केस में वी हैव टू पैरामीटर्स वी कैन डू. पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स, ले लेते हैं मीन, ले लेते हैं वॉट इज मीन ऑफ एक्स. पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन. करेक्ट, दिस इज वॉट, दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन एज 1058 डिवाइडेड बाई 20. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज विच कम्स टू, कैलकुलेट करके बताओ विच कम्स टू. आप यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला भी लिखना है, यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. विच कम्स टू वॉट, 75.4 करके देखो, कैलकुलेट करके देखो, 75.4 आएगा. तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन. एक और इक्वेशन, या तो आप वेरियंस ले सकते हो या तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ले सकते हो. इट इज़ बेटर दैट वी टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. वेरियंस लेके कोई मतलब नहीं है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास. अगर आप टेबल बुक खोलो, टेबल बुक में वी हैव समथिंग विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर. नाउ दिस इज गिवन एज एक्स माइनस आर गामा. ठीक है, 1 प्लस आर गामा डिवाइडेड बाय अल्फा गामा एंड लैम्डा टू द पावर आर. ये आपको दिया हुआ है टेबल बुक में. सिंपली आर की जगह पे 2 सब्सिट्यूट करो, ये निकालो, या फिर लास्ट क्लास ही हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रूफ किया है. सो जस्ट फ्लिप द पेजेस अराउंड एंड आपको आंसर मिल जाएगा व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको याद है हमने प्रूफ किया है 2 लैम्डा स्क्वायर. जस्ट फ्लिप द पेज एंड चेक कि यही था कि नहीं, यही था या नहीं. यही हमने किया लास्ट क्लास. अगर आपको सपोज एग्जाम में ये चीज़ नहीं याद आए तो आप कैसे निकालोगे? मैंने दिखा दिया टेबल बुक में, ये दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन. देखो CS2 में टेबल बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको रख के रखना है अपने पास. ठीक है, एंड मैं हर बार बताते रहूँगी टेबल बुक रेफर करने, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न दीज थिंग्स, दीज आर गिवन इन द टेबल. कोई ज़रूरी एंड कोई मतलब भी नहीं है कि ये सारा चीज़ हम याद करें. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, बिना देखे. ठीक है, बिना देखे ट्राई करो करने का. गामा मैंने दिखाया था एकदम फर्स्ट क्लास में कि गामा का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं. लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर तो हमें मिल चुका है. नाउ दिस इज 3 गामा, गामा ऑफ थ्री तो ये इंटीजर है, याद है इसको कैसे लिखते हैं? अगर मैं बोल रही हूँ गामा ऑफ 3 तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, सो दिस बिकम्स 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2. तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 2 लैम्डा स्क्वायर, आई गॉट माई न्यूमरेटर. क्लियर है? आई गॉट माई न्यूमरेटर. आई एम सो सॉरी, ये एक्स नहीं होगा, ये मैंने इधर एक्स लिख दिया है, एक्स नहीं होगा, ये अल्फा होगा, बिकॉज एक्स तो आएगा ही नहीं ना, एक्स वाला टर्म आएगा ही नहीं. ये एक्स नहीं होगा. ठीक है, दिस विल बी अल्फा. चलो, न्यूमरेटर आ चुका है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ अल्फा माइनस 2 का गामा डिवाइडेड बाय अल्फा का गामा. अब इसको कैसे तोड़े, इसको कैसे तोड़े हम लोग, बताओ? अगेन द सेम थिंग, गामा रूल, 2 लैम्डा. आपको मेरे क्लास में रिवाइज करके आना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस, गो गामा जो हमने कराया, गामा फंक्शन फर्स्ट क्लास में, ऐसे नहीं होगा. आपको रिवाइज करते रहना, बिकॉज CS2 मैंने बोला था कि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम लोग नया टॉपिक में जाएंगे तभी भी पहले का टॉपिक्स भूल नहीं सकते हम, क्योंकि हम उसका रेफरेंस लेते रहेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ो. कैसे तोड़ेंगे? दिस इज अल्फा माइनस 2 का गामा. नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा, बोलो अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, इसको तोड़ते जाओ. अल्फा माइनस 2 एंड अल्फा माइनस 2 का गामा. ये मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो.
if I say y ka gamma, if y is a non-integer, तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं ना, y minus 1 का gamma. ये हम करते हैं, अगर आपको याद नहीं है, अगर आप pages flip करके देखो, this is what we do. तो ये दोनों cancel out हो गया, and we are left with this. We are left with this. Correct? So we have expectation of x square with us. We have expectation of x square with us. You can just see this. देख लो इसको कैसे किया है हमने. Clear है? Clear है? Clear है अभी? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है गामा का, आपको याद रहना चाहिए ये चीज. चलो नेक्स्ट में आ जाओ. अब इसको करो सॉल्व, कैसे होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो ये अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होता है. दिस इज व्हाट, 257212 डिवाइडेड बाय 20. इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है, 12860.6. ठीक है, ये आना चाहिए सबका, ये आना चाहिए. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, वी हैव टू इक्वेशंस. इक्वेशंस मैं क्लास में नहीं सॉल्व करवाऊंगी, ये आपका होमवर्क है, ये आपको नेक्स्ट क्लास करके आना है. एंड अगर आपसे नहीं हो तो वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट क्लास, बट दिस इज़ अ सिंपल इक्वेजन सॉल्विंग जो हमें करना है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन क्लास अभी. दिस इज़ वेरी सिंपल, मैं आपको आंसर बता दूंगी अभी. ठीक है, ये दोनों हैं. आप क्या कर सकते हो, वेरी सिंपल, यू कैन टेक दिस इंटायर थिंग एंड यू कैन सब्सिट्यूट यहाँ पे. यहाँ पे तो आपका क्या बच जाएगा, टू लैमडा अल्फा माइनस टू multiplied by 75.4 is equal to this, and then normally again you'll have two equations, one this and one this. Square ka term kuch bachega nahi, to aap lambda nikal sakte ho pehle and fir alpha. I'm giving you all the answer, aap answer likh lo and next class ye nikal ke aane class mein. CS2 mein agar daily practice nahi karoge to marks acche nahi milenge. 5873 and alpha ka answer is 9.62965. देख लो ठीक है, इसको सॉल्व करना है अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास में, करके आना है. देख लो, we have two equations, दोनों equations को हमने solve कर लिया है. आगे बढ़े, this was the first method, method of moments. Moving on to the next method, आपके मन में आ गया होगा method का नाम, MLE or the maximum likelihood estimation. कोई भी easy language में मुझे समझा सकते हैं what is MLE? Very, in a very easy language, एकदम hi-fi language में नहीं समझना, maximum likelihood estimate. नाम में ही इसका मीनिंग है, नाम में ही इसका मीनिंग है, MLE, maximum likelihood estimate. Basically, if I say, अगर हम सपोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है, if I say that x follows exponential lambda, correct? तो हमें ऐसा एस्टिमेट ऑफ लैम्डा निकालना है. आई कैन से लैम्डा हैट, आई कैन से लैम्डा हैट. सो लैम्डा हैट, द एस्टिमेट लैम्डा हैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन. एस्टिमेट ऑफ लैम्डा या फिर लैम्डा हैट विच मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन. और लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी या फिर लाइक्लीहुड फंक्शन. ठीक है, तो वॉट इज लाइक्लीहुड फंक्शन, वॉट इज लाइक्लीहुड फंक्शन, हम क्या करते हैं उसमें, समेशन ऑफ, उसमें हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पीडीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द पीडीएफ. ठीक है,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने एक्सपोनेंशियल डिस्कस कर लिया है तो एक्सपोनेंशियल का एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया से. नाउ गिवन इन द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ अब आपको, एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा एंड आई से दैट एक्स बार, एक्स बार यानी कि सैम्पल मीन, सैम्पल मीन हमें दिया हुआ है 2200 एंड सैम्पल साइज हमें दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सैम्पल साइज है 1000 का. ठीक है, चलो अब इसको लेके निकालना है. आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, आई जस्ट वेट फॉर 1 मिनट फॉर यू ऑल. आपको लाइकलीहुड कंस्ट्रक्ट करना याद है कि नहीं, ये आपका टेस्ट है अभी. ठीक है, ये आपका टेस्ट है कि आपको याद है कि नहीं कैसे निकालते हैं. ये आपका टेस्ट है अभी. मैंने क्या बोला, वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द PDFs एंड PDF ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स आई हो गया आई 1 से लेके एन तक जाएगा. इज इट क्लियर, ये याद है जिनको, ये याद है जिनको, ये याद है यानी कि उनका CS1 काफ़ी अच्छे से किया हुआ है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लैम्डा टू द पावर एन हो गया, ठीक है, एन टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस लैम्डा समेशन ऑफ एक्स आई वेर आई गोज फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिख सकते हैं, देख लो. ठीक है, वेर आई गोज फ्रॉम 1 to n. अब करो इसको सॉल्व, लॉग लाइकलीहुड ले लो दोनों जगह, लॉग ले लेते हैं. लॉग लेके सॉल्व होने से हमेशा इजी रहते हैं, जनरली वी टेक द लॉग ऑफ द लाइकलीहुड फंक्शन. तो ये क्या हो जाएगा, एन लॉग लैम्डा माइनस लैम्डा समेशन ऑफ एक्स आई वेर आई गोज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है. इसके बाद व्हाट वी डू, वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन एस्टिमेट विच मैक्सिमाइजेज द लाइकलीहुड. मैक्सिमाइजेज द लाइकलीहुड यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपना लाइकलीहुड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा एंड फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से. फिर हम लोग चेक करेंगे डबल डिफ्रेंशिएट करके कि वो लेस दैन जीरो आ रहा है कि नहीं, देन ओनली वी कैन से दैट द एस्टिमेट विच वी हैव कैलकुलेटेड मैक्सिमाइजेज द लाइकलीहुड फंक्शन. ठीक है, तो इसको मैक्सिम हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग लॉग लाइकलीहुड विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ये क्या हो जाएगा एन बाय लैम्डा एंड ये क्या हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई. क्लियर है, बस आ गया. अब इसको इक्वेट कर दो जीरो से. अगर आपको बीच में कॉस स्टेप दिखाने, आप दिखा सकते हो. ये आया, सो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज नथिंग बट एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई वेर आई गोज फ्रॉम 1 से लेके n तक. क्लियर है, दिस इज नथिंग बट यू कैन से लैम्डा हैट. ये क्या हो सकता है, दिस इज वॉट लैम्डा हैट इज नथिंग बट 1 बाय मीन,
ये मैंने कैसे लिख दिया अचानक से, बहुत ही सिंपल, 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सैम्पल मीन ही तो हो जाएगा ना। सैम्पल मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन विद द सैम्पल मीन विच इज़ नथिंग बट, क्या दिया हुआ था देखो, चेक करो, 2200, 2200। एंड अगर आप लोग देखो हमने क्या डिराइव किया है, वी आर सेइंग दैट लैम्डा इज 1 बाय मीन, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर इज व्हाट, नथिंग बट 1 बाय मीन, बिकॉज मीन क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 बाय लैम्डा। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, MLE और MME का आंसर सेम आएगा। क्लियर है? का आंसर सेम आएगा। सो अगर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कोई भी मेथड, तो आप कोई जनरली स्टार्ट करो MLE से, MLE लेके करो, या फिर आप MME भी ले सकते हो। अभी हम लोग एक और मेथड करेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है CS1 में, एक और मेथड होता है मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, ठीक है? सो दीज 3 मेथड्स वी लर्न टुडे। ये हुआ, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, डिवाइड करके देखो तो क्या आ रहा है, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। सो दिस इज आर लैम्डा, पर अभी सम खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था, डबल डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट भी तो करेंगे, है ना? तो डबल डिफरेंशिएट करो इसको, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, ये आ रहा था ना, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, माइनस, ये वाला टर्म तो हट ही जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस n by lambda square. Now this is less than 0, yani ki therefore lambda hat is the maxima, ya fir maximizes our likelihood function. Agar do parameter diya hua tha to aap log kaise karte, MLE leke, to aap log kya karte, dono parameter se differentiate karte. First, the very first thing, yahan tak main mark kar de rahi hu, हर चीज़ को कलरफुल बनाने में अच्छा लगता है ना, तो इसको मार्क कर देते हैं अपने, ठीक है? ये जो है, ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, दिस इज़ द लाइकलीहुड फंक्शन विच वी मेड। लाइकलीहुड फंक्शन तो हमेशा बनेगा सेम तरीके से। अगर दो पैरामीटर्स होते तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स आता लाइकलीहुड फंक्शन में, फिर हम लोग पार्शली डिफ्रेंशिएट करते दोनों पैरामीटर्स से लॉग लाइकलीहुड को, एंड फिर हम लोग दोनों वैल्यूज को एस्टिमेट करते। व्हेन टू पैरामीटर्स आर गिवन, तो हमारे सिलेबस में ये बोला है कि हम लोग को डबल डिफरेंशिएट करके दिखाना, सेकंड डिफरेंशिएशन दिखाना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन दिखाना जरूरी नहीं है। तो ये स्टेप इज नॉट कंपलसरी व्हेन यू हैव टू पैरामीटर्स, ठीक है? वो आप स्किप कर सकते हो। जब टू पैरामीटर्स होते हैं तो लॉग लाइकलीहुड को डबल दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार विद टर्म्स ऑफ एक पैरामीटर एंड एक बार विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब हम लोग सपोज अल्फा और लैम्डा दो पैरामीटर्स है, तो जब हम लोग अल्फा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लैम्डा को कांस्टेंट रखेंगे, जब हम लोग लैम्डा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग अल्फा को एज अ कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है? जस्ट एज अ कांस्टेंट नंबर। सो दिस इज व्हेन यू हैव टू पैरामीटर्स। अभी के लिए योर आंसर इज दिस, एंड डबल डिफरेंशिएशन दिखाना इधर जरूरी है। दिस वॉज MLE, दिस वॉज MLE, ठीक है? नेक्स्ट आ जाए, MLE के बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मोमेंट्स, सॉरी मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, मेथड ऑफ परसेंटाइल्स। ये आपने नहीं किया है, दिस इज अ न्यू थिंग, बट दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सोच ऐसे, मतलब पढ़ के आ रहा होगा, परसेंटाइल्स से कुछ लेना देना है। सो हमने मेथड ऑफ मोमेंट्स में क्या देखा, हम सैम्पल एस्टिमेट और पॉपुलेशन एस्टिमेट को कंपेयर करते हैं। सैम्पल हमारे पास दिया हुआ है, पॉपुलेशन में बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, मीन ले लिया हमने, पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन इक्वेट किया, वेरियंस इक्वेट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्यूनेस, ये सारा चीज़ हम इक्वेट करते हैं। MLE में क्या होता है, लाइकलीहुड निकालते हैं, उसको हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। परसेंटाइल्स में क्या होता है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, दिस इज समवॉट लाइक मेथड ऑफ मोमेंट्स ओनली,
इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन एंड वेरियंस, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट परसेंटाइल्स निकालते हैं. व्हाट आर द परसेंटाइल्स? मीडियन. मीडियन एक परसेंटाइल है. 50th परसेंटाइल इज व्हाट? मीडियन. ठीक है, तो एक कन्वेंशन है, आप लिख लो. व्हेन यू हैव वन पैरामीटर विच यू वॉन्ट टू एस्टिमेट, मतलब कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो वन पैरामीटर है जिसमें खाली, तो उसमें हम लोग मीडियन के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें हम लोग मीडियन के साथ कंपेयर करते हैं. एंड जब दो पैरामीटर, व्हेन देयर आर टू पैरामीटर्स, देन वी कंपेयर दिस टू, देन वी कंपेयर दिस टू क्यू वन एंड क्यू थ्री, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. 25th परसेंटाइल एंड, मतलब ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है और कुछ नहीं. ठीक है, तो इनसे हम, दीज आर द सेम थिंग, दीज आर नथिंग बट द सेम थिंग्स. फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल इज नथिंग बट 25th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल. ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं. एक एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. अगर मैं बोलूँ कि एक पैरामीटर है एंड उसको मीडियन से क्यों करते हैं, चलो क्यू वन से करते हैं, चलो क्यू थ्री से कर लेते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा. क्योंकि जब आप मेथड ऑफ मोमेंट्स में मीन से कंपेयर कर रहे हो, एक पैरामीटर जब दिया है, तो मैं बोलती हूँ मीन से क्यों कर रहे हो, जब एक पैरामीटर वेरियंस से करूँ, मीन से क्यों कर रहे हैं कंपेयर. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. जब एक पैरामीटर होता है और हम लोग उसको मीडियन से कंपेयर करते हैं, Q1 से नहीं, अगर आप Q1 से कंपेयर करोगे ना, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो आंसर आएगा, दैट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. मतलब पैरामीटर का जो एस्टिमेट आएगा, दैट विल बी, दैट विल मेक योर डिस्ट्रीब्यूशन टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर आप Q3 लोगे, सो इट विल मेक योर डिस्ट्रीब्यूशन टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट. सो दिस इज द लॉजिक कि हम मीडियन लेते हैं, और जब दो पैरामीटर है तो हम क्यू वन क्यू टू, यानी कि 25th एंड 75th परसेंटाइल निकालते हैं. एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसको लिख लो तब तक. वट एवर आई एम सेइंग इन क्लास, ये सब आपको लिखते जाने, कहीं ना कहीं यू कैन जस्ट, यू नो, जो आपको लगे नहीं ये पॉइंट मैम ने इम्पॉर्टेंट बोला है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसको तुरंत दूसरे पेन से बगल में लिख लो, लाइक कॉपी में साइड में लिख लो, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यूल रिमेंबर वेन यू डू द रिविजन. क्योंकि तब हो सकता है आप, मैंने जो आपको बोला कि राइट दिस डाउन, यू आर राइटिंग दैट डाउन, वो तो ठीक है, साथ ही साथ द थिंग्स विच आई एम सेइंग, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि क्यू वन क्यों हम लोग नहीं लेते, सो जस्ट राइट डाउन साइड में दैट इफ वी टेक क्यू वन इंस्टेड ऑफ मीडियन, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये सारा चीज़ आपको खुद से लिखना है. आई विल नॉट ऑलवेज टेल यू कि हाँ ये लिखो ये लिखो. जो भी मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट आपको लगे, आप तुरंत उसको बस एक लाइन लिख लो. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे बढ़ो. नाउ द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. इफ आई से दैट एक्स फॉलोज वेबुल, इफ आई से दैट एक्स फॉलोज वेबुल सी कॉमा गामा, ठीक है, सी कॉमा गामा, एंड फर्स्ट क्वार्टाइल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 401, थर्ड क्वार्टाइल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2836.75. दीज टू आर गिवन इन द क्वेश्चन. पहले खुद से दो मिनट सोचो, क्वार्टाइल्स हम निकालेंगे कैसे. व्हाट आर क्वार्टाइल्स? दीज आर नथिंग बट द एक्स वैल्यूज. सपोज मैं आपको एक नॉर्मल सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके समझाती हूँ. ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ये हमारा मीडियन होता है, ये हमें पता है. नाउ समवेयर ओवर हियर यू गेट क्यू वन एंड समवेयर ओवर हियर यू गेट क्यू थ्री, करेक्ट, कुछ ऐसा होता है. दिस इज योर क्यू वन, दिस इज योर क्यू थ्री. बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये एक एक्स वैल्यू है, ये एक एक्स का वैल्यू ही तो है. मीडियन इज व्हाट? एक एक्स का वैल्यू ही तो है ना. लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्स का वैल्यू है. सिमिलरली क्यू वन क्यू थ्री आर एक्स का वैल्यूज ही तो है ये. तो इसके नीचे पूरा कितना होना चाहिए, 25% ऑफ द वैल्यूज, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन क्यू वन, दिस इज इक्वल टू 25%. हाँ या ना. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी
कि Q3 से छोटे हो वैल्यूज इज नथिंग बट 75%, यानी कि 0.75. इज इट क्लियर? समझ में आया? अब कैसे लेंगे? Q1 एंड Q3 आर नथिंग बट द एक्स वैल्यूज, तो इससे छोटा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25%. Q1 से एंड Q3 से 75%. बस अब निकालो, अब करो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में. मैंने सब बता ही दिया. FX भी मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था. अगर नहीं भी मालूम, टेबल बुक तो है ही हमारे पास, टेबल बुक तो है ही हमारे पास. फॉर Q1 यानी कि फॉर CDF, यानी कि CDF, दिस इज नथिंग बट द CDF, दिस इज नथिंग बट द CDF. सो CDF ऑफ 401 यानी कि Q1 विल बी 0.25 एंड CDF ऑफ 2836.75 विल बी 0.75. मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस यहाँ पे Q1 और Q3 के जगह पे 401 एंड ये डाल दिया है. यही तो है ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स के वैल्यूज दिए हुए हैं. दीज आर नथिंग बट द सैम्पल्स विच वी हैव, जो हमने दिया हुआ है. मेथड ऑफ मोमेंट्स में हमें क्या दिया हुआ था? हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमें समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ था. दोज आर द सैम्पल्स, तो ये भी सैम्पल्स हैं. एक जगह एक सैम्पल से मुझे एक मिला Q1 Q3, दूसरे सैम्पल से मुझे दूसरा Q1 Q3 मिला, तो ऐसे मुझे सब जगह से Q1 Q3 मिलेगा एंड फिर आई विल कंपेयर. दिस इज नॉट देयर इन अ सिलेबस, बट जनरली होता है सैम्पलिंग, यही सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है यही प्रोसेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दी से करो, 401 एंड 2 इसको सॉल्व करना है. CDF दिया हुआ है टेबल बुक में, कुछ है नहीं, दो इक्वेशन बनेगा सिंपल सा, उसको खाली हमें सॉल्व करना है. एंड द इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, 1 - एक्सपोनेंशियल, अगर आपको याद है, सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सी 401 टू द पावर गामा, ये हो गया 0.25, 1 - 1 - वन माइनस एक्सपोनेंशियल सी 2836.75 टू द पावर गामा, दिस इज इक्वल टू 0.75. क्लियर है? क्लियर है? चलो सब फटाफट सॉल्व कर लो इसको, फटाफट सॉल्व कर लो. सी को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.75, 1 - उधर चला गया. ठीक है, अच्छा मैं करके दिखा दूँ पूरा. 1 - 0.25 लॉग ले लेंगे दोनों साइड, ln डिवाइडेड बाय 401 गामा, माइनस साइन आ जाएगा एक यहाँ पे. सिमिलरली इधर पे क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू 1 - 0.75 लॉग ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2836.75 गामा, माइनस आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों सी को इक्वेट कर लो, दोनों सी को इक्वेट करके सॉल्व कर लो. आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द आंसर. आंसर आ जाएगा, सी का आंसर इज 0.002326, ये आंसर है. गामा का आंसर इज 0.8037676. ठीक है, जो सबसे पहले ये दोनों का आंसर ग्रुप में भेजेगा, एक तो ये एंड एक मेथड ऑफ मोमेंट्स जो मैंने ऊपर कराया था, मेथड ऑफ मोमेंट्स, ये सॉल्व करके पूरा अच्छे से आंसर भेजेगा, उसको हम कुछ देंगे नहीं, पर नेक्स्ट क्लास उसका हम नाम लेंगे क्लास में कि उस बच्चे ने सॉल्व किया. तो ये सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, जो सबसे पहले भेजेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉग्नाइज कराएंगे. ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व करने क्लास में अच्छे से.